इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पूर्णिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रूटीन चेकिंग के दौरान दालकोला चेक पोस्ट पर 3,53,00,000 का 24 कैरेट सोना बरामद किया गया है। इसको लेकर प्रेस को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक आमिर जावेद ने कहा कि रूटीन चेकिंग के दौरान सिलीगुड़ी से पटना जा रहे युवक को 5,800,000 सोने के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसकी कुल कीमत 3,53,00,000 रुपए है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति महाराष्ट्र का रहने वाला है। वहीं गिरफ्तार युवक ने बताया कि ऑनलाइन किसी व्यक्ति से बात हुई थी और डिलीवरी करने के एवज में 20,000 रुपया दिया था। फिलहाल पुलिस मामले के अनुसंधान में जुट गई है। वहाँ पे मतलब ऑनलाइन से बात हुआ था। हाँ। और क्या बोला था वो? खाली सामान पहुँचाने के लिए बोला। कहाँ पहुँचाने के लिए बोला था? खाली पटना। हाँ? पटना। पटना में कहाँ डिलीवरी देना था? खाली वहाँ तक जाने के लिए बोला हमको। वहाँ कोई आदमी आ जाता तुम्हारे पास? छोड़ो। कितना रुपया इसके लिए तुमको दे दिया? 20,000 रुपया। 20,000 रुपया दे दिया था? कितना सोना था? सो तो नहीं, हमको जानकारी नहीं था उतना, उसमें क्या चीज था क्या नहीं। पहले इससे पहले कई बार सोना पहुँचाने का काम किया? फर्स्ट बार गए। पहली बार है? पहली बार। कैसे पकड़ी पुलिस तुमको? मतलब दालकोला में मतलब वहाँ से मतलब चेक हो रहा था, तो वहाँ से है ना मतलब हमको बुला लिया था वहाँ से, मतलब दारू चेक कर रहे थे वहाँ से। अच्छा। तो हमको कुछ मतलब पॉइंट में थोड़ा हल्का अति हो गया, उसने उतार दिया, वहाँ से चेक कर दिया हमको। अच्छा, तो कहाँ रखे थे ये? इसी में था। अच्छा, उसी में रखा था? गंजी में था। अच्छा, कहाँ घर हुआ तुम्हारा बेटा? महाराष्ट्र। क्या नाम है तुम्हारा? सोमनाथ। एक्चुअली कल शाम में डलकोला चेक पोस्ट पर जब जांच रूटीन जांच किया जा रहा था, तो उसी जांच के क्रम में सिलीगुड़ी से एक आ रही थी बस, उसमें एक व्यक्ति संदिग्ध पाए गए। उनको जब चेक किया गया तो वो पेट पे बांधे हुए थे। उसमें जब उनको चेक करने पर सोने का बिस्कुट बरामद किया गया, जिसका कुल वजन 5,800,000 के करीब है, जिसका मार्केट वैल्यू आज के डेट में 3,53,00,000 रुपये है। इसके संबंध में उन्होंने कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया, वो चूंकि संदिग्ध रूप से पेट पर बांध के ले जा रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया कि हम एक कुरियर का काम करते हैं, जो सिलीगुड़ी से हमको माल सप्लाई उठाना था और ले जा करके हमको सप्लाई करना था पटना, पटना से फिर आगे दूसरी टीम उसको ले जाने वाली थी। तो ये मामला संदिग्ध था, हम लोगों ने इसको अरेस्ट किया, सामान प्रोड्यूस करके हम लोग कोर्ट में उसको प्रोड्यूस करने जा रहे हैं और मामला अनुसंधान में। गिरफ्तार व्यक्ति महाराष्ट्र शोलापुर के। क्या नाम है? कितने की संख्या? सोमनाथ, उनका नाम सोमनाथ है। अभी सब अनुसंधान में है, अभी तक जो बरामदगी कितनी हुई है? बरामदगी आपको बता ही दिए हमने, 5,800,000 है, 24 कैरेट। बाजार की कीमत क्या होगी सर? बाजार कीमत इसकी 3,53,00,000 आज के डेट में। सभी क्या ये 24 कैरेट का सोना है? ये सब अभी अनुसंधान, अभी 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 ये अनुसंधान, ये अभी अनुसंधान का विषय है, अभी इस पर हम नहीं बोल सकते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड तस्कर है क्या? ये जो ब्रांड इस पर लगा हुआ है, ये यूएई का ब्रांड है, यूएई का ब्रांड है जो गोल्ड का ब्रांड है। दालकोला चेक पोस्ट पर है सर? ये दालकोला चेक पोस्ट सिलीगुड़ी से लेकर? सिलीगुड़ी से लेकर। कहाँ लेके जाना? तो इनका जो कहना है, जिस पर अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है, जो कुरियर है ये इनको पटना में कहीं आकर देना था, लेकिन ये सब चीज अभी इन्वेस्टिगेशन में खुली है, क्या होने वाला बता। सर, ये पहले भी इस तरह का काम किया आपने स्वीकार किया? नहीं, ये सब चीज अभी चूंकि शुरुआत ही अनुसंधान है, अभी हम लोग आगे तक जाएंगे तो फिर आगे आप लोगों को डिटेल दे पाएंगे। कुरियर कंपनी? हीरो का संग? कुरियर कंपनी नहीं है, कुरियर जो सप्लाई करने वाला होता है उसको कुरियर बोलते हैं। बिल्कुल बगैर गिरोह के 3,53,00,000 का सामान इधर उधर ले जाना तो सिलीगुड़ी पटना बस्ती। तो ये पहली बार कुरियर का काम करता था? इनके अनुसार ये जो अपना स्टेटमेंट दिए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं पहली बार कर रहा था, लेकिन हम उनकी बात पर नहीं जा रहे हैं, हम लोग अपना इन्वेस्टिगेशन। कितनी बड़ी सफलता मान रही है? सफलता तब होगी जब इसका इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो और ये पता चल जाए कि इसका बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज क्या था, कहाँ से ये सोना आ रहा था और कहाँ जाना था, कोई और एंगल भी तो इसमें नहीं जुड़ा हुआ है, ये सब इन्वेस्टिगेशन में आएगा। किस गाड़ी से जा रहा था सर? बस सर, पुलिस को इसके बारे में पहले से कुछ जानकारी थी या फिर अचानक ये सब जाँच में आ गया? सर, रूटीन जाँच हम लोग करते ही रहते हैं, वहाँ दलकोला चेक पोस्ट हमारा वैसे भी जाँच वहाँ रूटीन जाँच होती ही रहती है। तो सर पहली बार पकड़ा है। चलिए दूसरा एक चीज और आप लोग को बताना चाहेंगे हम।